हेलो दोस्तों, आधार सेंटर कैसे खोले, इसकी प्रोसेस क्या है, कहाँ से हम अप्लाई करेंगे और इसमें और क्या क्या चाहिए जिससे हमको आधार सेंटर मिल जाए। दोस्तों मैं ये बताऊं कि जैसे कि आपको आधार सेंटर खोलने के लिए आपको क्या प्रोसेस होता है, जो आधार जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है और एक ऑपरेटर सर्टिफिकेट, जब इसके जो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा इसका मैं पहले से वीडियो बनाया हूँ, आपस आपको शेयर कर दूंगा। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, इसमें एग्जाम पास कैसे करना है, इसकी प्रोसेस मैं वहां पर बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बता दूं, जिसे आपको सर्टिफिकेट और जो ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है वो आपको कैसे मिलते हैं। जब आपको अप्लाई करते हैं तो आप एग्जाम पास करते हैं तो जैसे 70 से नीचे आता है आपका तो आपको क्या है, ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप 70 से ऊपर जाते हैं तो आपको जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिलते हैं, ये होता है उसका सर्टिफिकेट, ऑपरेटर सर्टिफिकेट और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करने के लिए जैसे बहुत सारा कंपनी है, NHT का पोर्टल मिल जाएगा आपको, UTI का मिल जाएगा, या आपको कार्बी वाली करके यहाँ पास मिलता है कंपनी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊँ, CSE सेंटर के थ्रू लेना, क्योंकि CSE सेंटर में ऐसे चीजें फ्री में मिलेगा आपको। ठीक है, CSE सेंटर होना चाहिए पहले से आपके पास, अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं पहले से वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आपको CSE सेंटर खोलना है, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर CSE सेंटर आपके पास मिल जाते हैं, आपके पास ID है और आपके पास जो कियोस बैंक है BC, जैसे हम बोलते हैं कियोस बैंक BC, ठीक है, इसमें आप काम कर रहे हैं BC का काम, ठीक है, कियोस बैंक खोल रहे हैं, इसमें आपके पास ID होना चाहिए उसका। ठीक है, ये सभी चीज आपके पास CSE ID और बैंक BC होना चाहिए, जो उसका ID होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक चीज और है इसमें, बहुत बड़ी चीज होता है जिसे नेट कनेक्शन, नेट कनेक्शन के बिना आपको यहाँ पास 6 महीने का जो इंस्टॉलमेंट मांगते हैं रिचार्ज का, उसका डिटेल मांगता है कि आपके पुराना कितने महीना हो गया लगा हुआ आपके सेंटर पे। ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पास मांगते हैं, ये आपको 6 महीने पुराना हो वहां पास भी चाहिए, वहां उसका बिल मांगते हैं, ठीक है, अपलोड करना रहता है, ये सभी चीजें आपके पास होना चाहिए। सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम की बात करें तो सिस्टम आपके पास 2 लैपटॉप होना चाहिए, एक ही लैपटॉप में चल जाएगा, लेकिन एक आपको अलग से LED स्कैनर लेना पड़ता है, कलर प्रिंटर लेना पड़ेगा, आपके पास स्मार्टफोन डिवाइस होना चाहिए, अलग से फिंगर डिवाइस अलग से बड़ा वाला आता है वहां पास आप रख सकते हैं, आपको रखना ही पड़ेगा, और यहाँ पास आपको स्कैनर अलग से आता है, ये सभी चीज आपको रखना अनिवार्य है। ठीक है, और इसके बाद यही सभी चीज चाहिए तभी आपको आधार सेंटर मिलेगा, इसमें ये सब डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, तो ये डॉक्यूमेंट ये सभी चीज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए दोस्तों। और सेकेंड नंबर ये बता दूं, अगर आपको किसी मैं आधार सेंटर दिला सकता हूँ ये वो ऐसे करके दुनिया भर के बताते हैं, ये सभी जगह मुनाफा से फ्रॉड है। मेरे एक दोस्त था जो अभी 2 लाख रुपए दे चुके हैं और आधार सेंटर अभी तक नहीं मिले है, ये है प्रोसेस जो किसी जगह फंस जाते हैं, ये ना फंसे आप, आपको अगर पता है CSE सेंटर मिले तो CSE UCL करके आप देख सकते हैं, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां पर फ्री में है, कोई प्रकार का चार्ज नहीं लेते हैं। ठीक है, आधार सेंटर खोलने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट को चार्ज नहीं देना होता है, ना तो CSE वाले को देना पड़ता है, ठीक है, किसी जगह को देना नहीं है, ये है आधार सेंटर खोलने का प्रोसेस, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है जो हम आधार सेंटर नहीं खोल सकते। आधार सेंटर खोलने के लिए आपको आपके पास से भी ये चीज जो बताया सर्विस ये आपके पास होना चाहिए तभी आपके पास आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आधार सेंटर के लिए और आपके पास जो सर्टिफिकेट सभी चीज आ गया, तो मैं इसके लिए भी पहले से वीडियो बनाया हूँ कि कैसे आपको आधार सेंटर अप्लाई करना है, UCL का आधार सेंटर केंद्र, और इसमें जो एग्जाम जो सर्टिफिकेट होता है सुपर एग्जाम का, ठीक है, ये भी मैं उसके बनाया हूँ, तो दोनों आपको लिंक शेयर करूंगा, आपस जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब।